<coughs> अब ठीक है अब ठीक है देखो जी अब ऑडिबल विजिबल हे प्रभु हे प्रभु वॉइस अब ठीक है अब देखो नाउ आई शुड बी ऑडिबल ऑडिबल ना हाश ना? वरना ऐसे कल एक न्यूज आती कि नीट की एक टीचर रोने लग गई क्लास में एक छोटे से रीजन की वजह से क्या रीजन था मैम आप ऐसे ही क्लास में क्यों फूट पड़े वो एक्चुअली मेरी क्लास में आवाज नहीं आ रही थी ये हो जाता है ठीक है चलो दैट इज ग्रेट दट आम के लिए ऑडिबल एंड विजिबल तो अब मैं आज की क्लास को शुरू कर सकती हूँ फॉर एनी वन हुय माई नेम इज तवन्ना चौधरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप विडियो से टकराए आप मेरे चैनल से टकराए बिकॉज ये चैनल हर नीट एस्पायरेंट के लिए अगर जो भी फिजिक्स में दिक्कत फेस करते हैं या फिर नहीं दिक्कत फेस करते बस ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बून है बून क्यों है क्योंकि एक बार जरा सा प्ले लिस्ट सेक्शन चेक कर लो इस चैनल का तुम्हें पता लग जाएगा कि कितने ways में किन-किन चीजों को मैं इस चैनल के ऊपर करवा चुकी हूं. Just to name a few, two page notes हो single sessions हो गए गए जो detailed भी हैं और बिल्कुल क्विक भी हैं हैं भी है, short and precise. Cheat का भी का है इसके ऊपर डेज ड्यूटी भी है तो बहुत सारी चीजें एक बार जरा सा चेक कर लो तो मैं सब समझ आ ठीक है तो इस YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आ, अगर मैं मान लो स्पेसिफिकली बात करती हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज की सो वेलकम टू दी सेवन 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 क्वेश्चन सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि फिजिक्स के लिए जितने भी टॉप बुक्स हैं एस एल अरोरा एच सी वर्मा डी सी पांडे हम इनके अंदर से सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाएं और फिर बाद में उनको सॉल्व करें क्योंकि देखो वाई डू वी से कि डो नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स फॉर क्वेश्चन डो नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट दी ओनली

कितने कर चुके होंगे ठीक है तो नया नया unit शुरू हो रहा है थर्मल फिजिक्स the के ऊपर तो बच्चों मेरी डिटेल भी हैं मान लो अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं कि आप तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं ठीक है <laughs> क्योंकि मैं ऑलरेडी अन अकेडमी प्लस पे पढ़ा रही हूँ डोंट यू फील लाइक ए टीचर इज गोइंग टू गेट बोर्ड तुम्हें कोई बोले कि तुम नीट के भी प्रिपरेशन करो और एक कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन करा दें तो मैं बोले कि वो भी उस, उसके अंदर भी तुम नाइन्टी परसेंट स्कोर करो भाई ये थोड़ी पॉसिबल है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना इसीलिए मतलब अगर आपको मुझसे डिटेलिंग में पढ़ना है तो उसके लिए आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करेंगे अगेन इलेवेंथ ट्वेल्थ ड्रॉपर मैं अभी सब बच्चों से बात कर रही हूँ बिल्कुल अगर डिटेल बचेज में पढ़ना चाहते हो तो अन अकेडमी प्लस पे तुम लोग कभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अन अकेडमी प्लस पे तुम लोग कभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है बाकी थर्मल फिजिक्स के विद रिस्पेक्ट टू तो मैं बोल रही हूँ जैसे मैं अकेडमी प्लस पे बिल्कुल डिटेलिंग में अलॉन्ग विद क्वेश्चन कराती हूँ ना तो थर्मल फिजिक्स को मैंने बिल्कुल डिटेलिंग में कवर करवाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना वहाँ पर नजर आएगा तो मैं डिटेल्ड कोर्स ऑन थर्मल फिजिक्स बाय तमन्ना चौधरी उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग एच सी वर्मा एस एल अरूरा डीसी पांडे से बच्चों क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर्स हैं अस ट्राई टू रैप दिस टॉपिक अप एज सून एज पॉसिबल क्योंकि छोटू सा टॉपिक है इतने ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स भी यहाँ से नहीं बनते क्वेश्चन ज्यादातर कंसेप्चुअल हैं थेरोटिकल है तो फटाफट से इसको निपटा लेते हैं ठीक है लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे सब बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर इस क्लास में आए हो नेक्स्ट क्लास में भी आना है ठीक है शुरू करके जिम्मेदारी आप आगे निभाने की कोशिश कीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दोज हु विल कंटिन्यू आर गोइंग टू बी दी लीडर्स अर दे आर गोइंग टू बी टॉप रैंकर्स एंड माई गोल इज टू प्रोड्यूस द टॉप रैंकर्स ठीक है मैं बिना वजह के इस तरीके से कंसिस्टेंटली यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो क्लास ले रही हूँ पिछले दो तीन महीनों से बिना रीजन के नहीं है ठीक है चलिए आइए शुरू करते हैं फिर बच्चों हम लोग आज की क्लास को सबसे पहले ऐसा करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन निपटा लेते हैं फिर हम लोग थेटिकल फिर बाद में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आएंगे ठीक है चलिए आ जाइए क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं सात हजार क्वेश्चन नोट करके बेचना चाहते हो ना तुम लोग आई आई नो दिस तो डू नॉट डू दैट ओके क्लास के दौरान सिर्फ तुम्हें सुनना है समझना है आ जाइए क्वेश्चन ये कि जो टेम्परेचर है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या फिर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो अन अकेडमी प्लस के स्टूडेंट्स है देखो तुम्हें भी आज की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिलेगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आज हमने सुबह आठ बजे इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था ठीक है तो माइक्रोस्कोपिक um, और माइक्रोस्कोप क्वांटिटी के बीच में एक बार जरा सा डिफरेंस समझ लो माइक्रोस्कोपिक होता है जो uh, कलेक्टिवली डिफाइन किया जाता है माइक्रोस्कोपिक होता है जो इंडिविजुअली डिफाइन किया जाता है जैसे कि मान लो अभी अगर मैं बात करूँ तो सेल माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है या माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूँ जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो भाई मैं सेल से बनी हूं फिर सेल से टिश्यूज़ बन गए टिश्यू से ऑर्गन बन गए ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया फिर बाद में मैं बनी हूँ ना तो ऑर्गेनिज्म क्या है एक माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है तो अगर तुमसे पूछा हुआ कि दोनों में से टेम्परेचर क्या है तो टेम्परेचर देखो तुम एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नहीं डिफाइन कर सकते अगर मान लो तुम्हारे पास एक गैस है एक पर्टिकुलर चेंबर के अंदर इन्क्लोज है और अगर तुम उसका टेम्परेचर निकालना चाहते हो यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दी टेम्परेचर ऑफ़ इंडिविजुअुअल मॉलिक्यूल्स यू आर कलेक्टिवली स्टडिंग द प्रॉपर्ट ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स एंड देन यू आर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिक It is macroscopic.

जो an तुम लोग गैस मॉलिक्यूल देखते हो तो यह याद रखना यह माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं डिफाइन कर पाते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है मेरे पास दो थर्मोमीटर्स हैं ठीक है ठेके? मैंने दोनों को सेम वे में कंस्ट्रक्ट किया है बस दोनों का शेप डिफरेंट है जैसे कि एक तो जो है स्फेरिकल है दूसरा जो है सिलेंड्रिकल है तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि दोनों में से बताओ कौन सा रिस्पोंड क्विकली करेगा टू द टेम्परेचर चेंजेस तो अभी बात ये है कि अगर मैं एक स्फीयर को ले लू और एक मैं सिलेंड्रिकल थर्मोमीटर ले लू दोनों की प्रॉपर्टी सेम है दोनों दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं 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 अगर में में तीन तीन लेयर्स लेयर्स मतलब एक तो दूसरे में भी तीन लेयर्स हैं अगर पहले वाले में कोई फिलामेंट यूज हो रहा है दूसरे वाले में भी सेम फिलामेंट यूज हो रहा है तो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सिर्फ शेप की है तो दोनों का बिकॉज शेप डिफरेंट है तो ऐसा कुछ होगा कि एक थर्मोमीटर क्विकली टेम्परेचर चेंज को नोटिस करेगा और दूसरा नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर आंसर है मेरे पास सिलेंड्रिकल थर्मोमीटर थर्मोमीटर क्योंकि देखो थर्मोमीटर का काम क्या है? कि कोई टेम्परेचर चेंज आया अब वो टेम्परेचर चेंज बच्चा पार्टी ऑब्वियसली बात है फॉर्म में आएगा ना तो अगर मान लो मैं थर्मोमीटर हूँ तो कैसे पता लगेगा कि मैं बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंजेस बता पाऊंगी वो सिर्फ तभी हो पाएगा अगर मान लो मैंने जल्दी से हीट एब्ज्ज्ज़ॉर्ब कर ली जल्दी से हीट एब्ज़ॉर्ब कर ली जल्दी से टेम्परेचर चेंज शो कर लिया और वो टेम्परेचर चेंज मैंने तुम्हें बता दिया ठीक है तो आई कैन से कि दोनों थर्मोमीटर्स में से जो थर्मोमीटर क्विकली आंसर देगा ये वो थर्मोमीटर होगा जो क्विकली क्या कर पा रहा है हीट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है या फिर हीट को रिलीज़ कर पा रहा है जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा है ठीक है तो मैं एक बार जरा सा लिख देती हूँ कि अगर मान लो हायर सरफेस एरिया है तो हायर सरफेस एरिया तो आई कैन से दैट द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस है आप लोग क्विकली देख पाएंगे आप लोग क्विकली देख पाएंगे तो अभी अगर मान लो मैं सिलेंडर और स्पेयर की बात करूं तो सिलेंडर का ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो यहाँ पर ये यह जो सिलेंडर है सिलेंडर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया तो इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस आएंगे वो भी क्या आएंगे क्विकली आ जाएंगे ठीक है तो जितने भी प्लस स्टूडेंट्स हैं देखो जितने भी प्लस स्टूडेंट्स हैं तुम्हें कितनी सारी बातें सीखने को मिल रही है

बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल है अब माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं फारेनहाइट में भी पॉसिबल है लेकिन ये कैल्विन में नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जीरो कैलविन इज दी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो कैल्विन क्या होता है जीरो कैल्विन होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर

विच इज़ वाई जो मरकरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो हायर रेंज होती है वो 356, 357 फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होती है मतलब अगर तुम लोग मरकरी थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो तो कम से कम तो तुम लोग माइनस थर्टी एट डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हो ज्यादा से ज़्यादा तुम लोग थ्री फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हो लेकिन मान लो अगर तुम इंसान बन जाओ मान लो अगर तुम थोड़े से और लालची बन जाओ कि हमें ज़्यादा चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा मरकरी थर्मोमीटर हो जो थ्री फिफ्टी सेवन तक ना काम करे एक ऐसा मरकरी थर्मोमीटर हो जो पाँच सौ डिग्री सेल्सियस तक काम करे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसको फिल करना पड़ेगा बाय नाइट्रोजन गैस सो यूल यूल स्पेस यू हैव टू फिल दी स्पेस अबव मरकरी अबव अब मरकरी विद विद नाइट्रोजन गैस एक बार जरा सा देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा पीवाई क्यू के फॉर्म है पिछले दस साल में देर वॉज वन ईयर आई डो नॉट रिमेंबर द ईयर इसलिए मैं पिछले दस साल में बोल रही हूँ uh, बाकी ये पूछा जा चुका है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास ये है कि गैस थर्मोमीटर होते हैं अब जितने भी बच्चे प्लस वाले बच्चे हैं आज हम लोगों ने सुबह किया गैस थर्मोमीटर्स होते हैं तो अब वो गैस थर्मोमीटर्स दो तरीके के होते हैं एक तो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर तो ऐसा क्यों है, है उसको प्रेशर को नहीं मानते दो तो दोनों नीट एस्पायरेंट बिल्कुल मस्त मौला पढ़ रहे हैं ठीक है अगर एक नीट एस्पायरेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है तो दूसरा लाइव लेक्चर अटेंड कर रहा है लेकिन स्टिल तुम लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ उन बच्चों को जो लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं

अब मान लो तुम हो कि ये वाला एक्टर अच्छा है ये वाला एक्टर अच्छा नहीं है तो तुम किस बेसिस पे जज कर रहे हो उनकी सिंगिंग पावर के ऊपर जज कर रहे हो नहीं ऑल दो ठीक है तुम लोग टीचर्स को जज कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वेल दे लुक है ना लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ अगर तुम लोग थर्मोमीटर को जज कर रहे हो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हें कितनी क्विकली रीडिंग मिल रही है और तुम्हें कितनी प्रिसाइज रीडिंग मिल रही है तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में जो रीडिंग्स है ज्यादा क्विकली मिलती है और मोर प्रिसाइज मिलती है ठीक है सो आई कैन से कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर ऐसा क्यों बिकॉज द रीडिंग्स आर द आर मोर एंड क्विक एक बार जरा सा देख लीजिए है ना हसो मत अरे हसो मत मतलब तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूं मैं मजाक नहीं कर रही ठीक है एक बच्चा है मुझे उसका नाम तक याद है तुम सोचो पढ़ने वाला बच्चा है बट इट इज अबाउट हाउ पीपल थिंक तो वो मेरी क्लास में आया है कुछ दो महीने पहले की बात है वो बोल रहे कि मैं आपकी क्लास में आया था मैंने देखा कि वाव यार ये तो मॉडल टीचर है लेकिन फिर बाद में मैंने आपसे पढ़ के देखा तो मुझे पता लगा आप अच्छा पढ़ाती हैं मतलब ये सही है तो क्या गंदी दिखो मैं है बताओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि थर्मोमीटर में हम लोग जो मरकरी यूज करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि सस्ती आती है हाँ ऐसा नहीं है सस्ते की वजह से नहीं है मरकरी थर्म मरकरी को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ग्लास के चिपकते नहीं है देखो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम, तुमने एक थर्मोमीटर लिया तुमने अपना टेम्परेचर मेजर किया 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 रीडिंग आ गई 100 डिग्री सेल्सियस नहीं तुम लोग उबल नहीं रहे हो ठीक है तो तुम लोगों ने रीडिंग देखी तो वो हंड्रेड आ गई अब फिर बाद में तुमने उसको मुंह से निकाल दिया अब तुम लोग देख पा रहे हो कि आई हाई ऐसा गंदा गंदा सा लग रहा है कि जो मरकरी है ट्यूब के चिपका हुआ है यू विल नॉट लाइक दैट राइट सो नंबर वन प्रॉपर्टी इज इट टू ग्लास इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास चार रीजन दे देने हैं इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास नंबर वन पॉइंट सेकेंड और थर्ड पॉइंट रिलेटेड है देखो मर्करी थर्मोमीटर का काम ये है कि जैसे ही उसके पास कोई टेम्परेचर चेंज आ गया ऑब्वियसली बात है वो हीट की फॉर्म में आएगा तो वो क्या करे हीट को एब्जौफ कर, एब्सॉर्ब करे टेम्परेचर चेंज लेके आए और फिर एक्सपांड कर जाए तो अगर मान लो मैं बोलना चाहती हूँ कि आ, यार मैं मरकरी तुझे थर्मोमीटर में लेना चाहती हूँ मतलब मरकरी के अंदर काबिलियत है कि सबसे पहले तो कम हीट की वजह से ही टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज ज्यादा शो कर देगी और कम टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ही ज्यादा एक्सपांशन शो कर देगी डू यू गेट दी पॉइंट एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि चाहे छोटी सी हीट भी अगर इसने एबजॉर्ब कर लिया ना तो टेम्परेचर चेंजेस ज्यादा इसके अंदर नजर आने लग जाए मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट लो है इसका मतलब क्या इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या अगर कन कम हीट भी मरकरी एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज ज्यादा आ जाते हैं ठीक है और अगर मान लो टेम्परेचर चेंज ज्यादा आ गए तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लो अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं है मान लो अगर अम, किसी इंसान को बुखार नहीं है हंड्रेड की रीडिंग वो नहीं उसको मिलने वाली है मान लो उसको सेवेंटी की रीडिंग चाहिए ठीक है तो उसने सेवेंटी की रीडिंग ली अब सेवेंटी से लेके एटी तक जाने के लिए ही बात है कितनी हीट मर्कुरी थर्मोमीटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि अगर मान लो छोटा सा भी टेम्परेचर में चेंज आया ना तो वो एक्सपांशन के फॉर्म में ज्यादा नजर आ जाए तो स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए और क्विफिशियंट ऑफ एक्सपांशन ज्यादा होना चाहिए और क्विफिशियंट ऑफ एक्सपांशन ज्यादा होना चाहिए तुम लोग समझ पा रहे हो मतलब नाटक नहीं करना है इसको क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियस बात है इसके दो काम है ना इसका पहला काम क्या है इसका पहला काम है हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर में चेंज लेके आओ दूसरा काम टेम्परेचर में जो चेंज आए उसकी वजह से एक्सपांड हो जाओ तो पहली चीज़ नखरे नहीं करने थोड़ी सी भी हीट एब्ज्जॉर्ब कर लिए ज़्यादा टेम्परेचर शो कर दो और थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर चेंज आ गए उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपांशन शो कर दो तो थोड़ा सा भी हीट एब्जॉर्ब करके जो एक्सपांशन ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोल देते थोड़ा सा भी टेम्परे सॉरी तो थोड़ी सी भी हीट एब्जॉर्ब करके अगर मान लो टेम्परेचर चेंज ज़्यादा हो गया तो वो हमारी क्या हो गई स्पेसिफिक हीट कम हो गई कि कम हीट की ज़रूरत है टेम्परेचर चेंज लाने के लिए और अगर छोटा सा भी टेम्परेचर चेंज आ गया तो एक्सपांशन ज़्यादा हो जाएगा मतलब को ऑफ एक्सपानशन ज़्यादा हो गया ठीक है और जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है इट इज़ कि इसका जो एक्सपांशन है इसका जो एक्सपांशन है वो यूनिफॉर्म होता है एक्सपांशन यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब क्या आ, जैसे कि तुम लोगों ने दो तरीके के बलून्स देखे होंगे जैसे कि कुछ बलून्स ऐसे होते हैं तुम लोग ऐसे उसके अंदर हवा डालोगे तो वो बिल्कुल इक्वली हर जगह से एक्सपांड कर रहा होगा लेकिन फिर कुछ कुछ बलून्स ऐसे होते हैं कि मान लो ये इस तरीके से ये एक बलून है तुम इसको फुलाने लगे तो उसके यहाँ पर ऐसा एक शेप बन जाता है तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं है ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है जब मान लो ये जो बलून को तुम लोग अगर ब्लो कर रहे हो तो इसी तरीके से वो साइज में इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका जो एक्सपेंशन है वो भी यूनिफॉर्म होता है इसीलिए भी हम लोग इसको मरकरी में यूज करते हैं ठीक है ठीके? एक बार जरा सा देख लीजिए तीन जो पॉइंट है एनसीआर के पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने तुम्हें बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लैटिनम वायर को क्यों यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं द रीज़न बीइंग कि नंबर uh, वन अगर मान लो मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज इसके अंदर ले आती हूँ तो ज़्यादा रेजिस्टेंस में इसका चेंज नज़र आने लग जाता है इसका मतलब इसका जो थर्मल कोफ़िशेंट इसका जो थर्मल कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है थर्मल कोफ़िशेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जैसे कि हम लोग मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी को क्यों यूज़ कर रहे थे वन ऑफ द रीजन्स ये भी था ना कि अगर मानो इसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज आ गया तो उस टेम्परेचर चेंज की वजह से ज्यादा एक्सपांशन शो कर देगी जिसकी वजह से रीडिंग लेना हमारे लिए ईजी हो जाता है उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर तुम्हारे पास प्लैटिनम अगर तुम्हारे पास रजिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है तो अगर तुम लोग इसमें प्लैटिनम वायर को यूज़ करते हो तो प्लैटिनम की प्रॉपर्टी है कि अगर तुम लोग इसके अंदर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज ले हो, तो इसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ जाएगा दैट इज द रीजन वी यूज इट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होगी हो तो, हो तो यार देखो अगर मान लो तुम लोग कोई गैस थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं तो हम क्या करेंगे एक चेंबर ले लेंगे ले, उसके अंदर गैस भर देंगे अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो जैसे जैसे तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा तो तुम लोग क्या करते हो तुम लोग टेम्परेचर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको लिंक करते हो प्रेशर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं ठीक है तो ही बात है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन तब लगेगी ना जब जो गैस है आइडियल बिहेवियर शो करे वरना पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन नहीं लगेंगी वहां पर ए कॉन्स्टेंट और बी कॉन्स्टेंट दोनों आ जाएंगे सो यू डोंट वॉन्ट दैट तो हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को जब भी यूज़ करते हैं हम लोग ये चाहेंगे कि जो गैस है वो अपना आइडियल बिहेवियर शो करे और वो अपना आइडियल बिहेवियर कब शो करती है बताओ वो अपना आइडियल बिहेवियर कब शो करती है वो करती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन यार एक बार तुम जरा सा खुद खुद से सोच के देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो तुम लोग यूनिटरी मेथड जो है ना प्रेशर डायरेक्टली बीइंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये सब तभी लगा पाओगे व्हेन पी इज इक्वल टू एनआर है

सी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग ओके okay. ये हो गए कंसेप्चुअल ठीक है सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे ये हमारी आज की क्लास के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एक करके अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन निपटाएंगे तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तुम्हारे पास एक बल्ब है कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वही कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ठीक है तो तुम लोगों ने देखा कि इस थर्मोमीटर में इतना प्रेशर है ठीक है इतना प्रेशर है इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतना प्रेशर है इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इतना प्रेशर है रूम टेम्परेचर के ऊपर तो बताओ रूम टेम्परेचर कितना है अब देखो जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास हमेशा बेनिफिट है दैट यू ऑलरेडी नो वट एवर आई एम गोइंग टू बी टीचिंग जब भी कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तुम्हें मैं जनरली क्वेश्चन टाइप्स करवा देती हूँ अब जो बच्चे पहली बार आ, मुझसे पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं तुम्हें मदर इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ ये मदर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से तुम लोग मान लो अगर दो टेम्परेचर तो को दूसरे और कुछ रटना नहीं है। तुम प्रेशर को से भी कर पाओगे, जैसे कि में होता है अगर प्रेशर इन दी टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है तो हाइट को भी टेम्परेचर uh, के साथ लिंक कर पाओगे और मान लो अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है तो तुम लोग रेजिस्टेंस को भी टेम्परेचर के साथ लिंक कर पाओगे व्हाट इज इक्वेशन टी माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ये वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट है ये वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी और तुम किसी भी दो क्वांटिटीज को लिंक कर सकते हो तुम लोग टेम्परेचर टेम्परेचर को लिंक कर सकते हो टेम्परेचर प्रेशर को लिंक कर सकते हो टेम्परेचर हाइट को लिंक कर सकते हो या फिर टेम्परेचर रेजिस्टेंस को लिंक कर सकते हो अब ऑब्वियसली बात है ये इक्वेशन मैं वर्बली समझा दूं और तुम्हें पता लग जाए कैसे इसको अप्लाई करना है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है तो हम मैं क्या करूंगी मैं तुम्हारे सामने इसको पाँच छे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि तुम्हें पता लगे इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को लगाया कैसे जाते हैं तो अभी यहाँ पर क्या करना है ना मुझे यहाँ पर हाइट को टेम्परेचर के साथ लिंक करना है तो एक बार मैं जरा सा लिख देती हूँ कौन कौन सी चीजें प्रोवाइडेड है तो मैंने देखा कि भाई सेवेंटी फाइव एम एम है जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर ठीक है फिर मैंने देखा कि हंड्रेड एम एम है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर मैंने देखा एटी एम एम है किसी टेम्परेचर के ऊपर और मुझे ये वाला टेम्परेचर निकालना है मानते हो ना तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं मदर इक्वेशन लिखूंगी सबसे पहले मैं मदर इक्वेशन लिखूंगी इस हाइट के लिए देखो सबसे पहले मैंने ये मदर इक्वेशन लिख देनी है हाइट के लिए तो हाइट के लिए लिख देती हूँ तो t माइनस लोअर पॉइंट तो लोअर पॉइंट बेसिकली वो जो कम जो बिल्कुल लीस्ट टेम्परेचर के ऊपर है हायर पॉइंट वो जो बिल्कुल सबसे बड़े टेम्परेचर के ऊपर है तो यहाँ पर मेरे पास आया t टेम्परेचर इन दी टर्म्स ऑफ हाइट लिखना है अब मुझे ठीक है तो मेरे पास आया हाइट एट टी टेम्परेचर माइनस हाइट एट लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाइट एट हायर पॉइंट माइनस हाइट एट लोअर पॉइंट अरे सेंटीमीटर में ले लो भाई मैंने सबको एम mm एम में ले लिया इतनी बड़ी बात नहीं है मैंने सेंटीमीटर में ले लिया मैं आंसर सेंटीमीटर में निकालूंगी अगर मैं एक एको एमएम mm में लेती और सारे एम mm एम होते तो भी सेम टेम्परेचर आएगा अगर मैं एक को सेंटीमीटर में ले रही हूँ दूसरों को भी सेंटीमीटर में ले रही हूँ तो भी सेम आंसर आएगा मेन चीजें मत भूलो मेन चीजें स्किप मत करो इन छोटी छोटी रीजन की वजह से ठीक है आंसर सेम ही आएगा दोनों में तो यहाँ पर मैंने एम एम में ले लिया तो अभी मैंने टी माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई माइनस लोअर पॉइंट को सबसे पहले हाइट की टर्म्स में लिख दिया अब मैं क्या करूंगी अब मैं उसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिखूंगी तो टेम्परेचर की टर्म्स में बच्चों अभी मानो अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा टी टेम्परेचर जो कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है ये मैंने अभी तक निकाली नहीं है ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है दिस इज दिंग दट ऑफ डन खत्म ये मैंने पहली बार अप्लाई किया है ठीक है इसको एटलीस्ट तीन बार अप्लाई होते हुए देख लो जो बच्चे अन एकेडमी प्लस पे नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर किच के ये वाले क्वेश्चन में तुम लोग करोगे तो तुम्हें शांति रखनी है एक इक्वेशन एक क्वेश्चन से सॉल्व हो जाती और एक इक्वेशन एक क्वेश्चन की हेल्प से आ जाती तो सीरीज का नाम सेवन 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 सीरीज होता सेवन 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 सीरीज नहीं होता तो ठंड रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड एक बार जरा सा देखो अभी तुम लोग टी की वैल्यू निकाल सकते हो आई एम होपिंग इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है टी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में था तो ये भी आ गए डिग्री सेल्सियस में इसको एक और बार लगाते हैं अब की बात तुम्हारे पास क्वेश्चन यहाँ पर ये है कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो फारेनहाइट की रीडिंग है इट इज इक्वल टू ट्वाइस दी सेल्सियस स्केल रीडिंग मैं अब भी मम्मी क्वेश्चन से ही चलूंगी अब भी मम्मी इक्वेशन से ही चलूंगी बस अब के बाद में टेम्परेचर और टेम्परेचर दोनों को लिंक कर रही हूँ तो देखो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो जीरो डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ के थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है है ना यहाँ पर जो मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है तो मैंने क्या किया ना मैंने इसको अपना लोअर पॉइंट मान लिया और इसको मैंने अपना हायर पॉइंट मान लिया अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है तुमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए सच दैट उसकी रीडिंग सेल्सियस वाली रीडिंग से डबल हो मतलब अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू एक्स है ना तो यहाँ पर वैल्यू टू टाइम्स ऑफ एक्स हो और तुम्हें एक्स की वैल्यू पूछी हुई है तो मम्मी इक्वेशन सिर्फ यही है टी माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट दोनों के लिए लिखो और दोनों को इक्वलाइज कर दो सबसे पहले मैं डिग्री सेल्सियस को लिखूं तो मेरे पास आया टी माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट और अभी अगर मान लो मैं सेम चीज को लिखूं फारेन के लिए तो मेरे पास आया टी माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट खत्म खत्म अब यहाँ से अभी इसको सॉल्व किया जा सकता है x by 100 इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2x minus 32 divided by 180 x की वैल्यू निकाल लो x की वैल्यू आ जाएगी 160 मतलब ये कितना बना ये मेरे पास बना 160 डिग्री सेल्सियस ये मेरे पास कितना बना 160 multiplied by 2 320 डिग्री फारेनहाइट एक बार जरा सा देखो ये दूसरी बार अप्लाई किया है जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं या तो पढ़ लो अभी पाँच बजे के बाद से आई डोंट आई हैव नो आइडिया ठीक है बट मुझे बोला गया है कि बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है ऐसे प्राइजेस आएंगे जो आज से पहले कभी भी नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आते है, या तो मैं वीडियो डाल दूंगी या मैं तुम्हें तो इन्फॉर्म कर दूंगी जो बाकी क्यों तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अन प्लस को इस ऑफ़र की हेल्प से कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक और बार अब तीसरी बार मैं अप्लाई कर रही हूँ थर्ड टाइम अब की बात रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को लिंक किया जा रहा है तो मैं बोला जा रहा है कि 19 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस इतनी है 99 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस इतनी है तो बताओ कितने टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस इतनी होंगे आई वॉज लाइक कि निकाल लेंगे अभी निकाल लेंगे ये देखो मैं यहां पर मैं रेजिस्टेंस लिख देती हूँ यहां पर मैं टेम्परेचर लिख देती हूँ तो मेरे पास यहां पर ये है कि थ्री पॉइंट फाइव एक मिनट मेरे पास यहाँ पर है कि थ्री पॉइंट फाइव ओम की रेजिस्टेंस है कितने टेम्परेचर के ऊपर नाइनटीन डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितने टेम्परेचर के ऊपर नाइनटीन डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स ओम की रेजिस्टेंस है कितने टेम्परेचर के ऊपर भाई नाइनटी नाइन डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो मैंने क्या किया ना मैंने इसको अपना लोअर पॉइंट ले मैंने इसको इसको अपना लोअर पॉइंट ले लिया इसको अपना हायर पॉइंट ले लिया अब तुमसे यहां पर यह पूछा हुआ है कि बताओ अगर फोर पॉइंट थर्टी की रेजिस्टेंस है तो वो कितने टेम्परेचर के ऊपर है एक बार जरा सा देखो तो वही वाली बात है सबसे पहले t माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाइयर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो मेरे पास आया फोर पॉइंट थ्री जीरो माइनस थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस थ्री पॉइंट फाइव सिंह चीज को तुम लोग टेम्परेचर की टर्म्स में अभी लिख दो तो टेम्परेचर की टर्म्स में मेरे पास आया एक्स माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई नाइनटी माइनस नाइनटीन तीसरी बार अप्लाई हो गया ये जो बच्चे प्लस पे अभी नहीं है तुम्हारे तो सामने मम्मी इक्वेशन तीन बार अप्लाई होगी है तो तुम्हें और कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है टी लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट लोअर पॉइंट अगर मान लो तुम्हारे तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम लोग हायर पॉइंट लोअर पॉइंट को कैसे सेलेक्ट करें कैसे भी कर सकते थे मान लो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है तो ये वाला टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए तो हमें इसको हायर पॉइंट कंसिडर करना चाहिए था इसको लोअर पॉइंट कंसिडर करना चाहिए था तुम कर सकते थे तब भी सही आंसर आता लेकिन बेटर है कि तुम्हें दो टेम्परेचर की वैल्यूज प्रोवाइडेड होगी जो छोटे टेम्परेचर की वैल्यू है उसको लोअर पॉइंट ले लो हायर टेम्परेचर की वैल्यू को हायर पॉइंट ले लो तो तुम देख पा रहे हो एक्स इज दी टेम्परेचर जिसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस है नाइन्टीन इज दी टेम्परेचर जिसके ऊपर ये वाला आ, ये वाला रेजिस्टेंस है सॉरी नाइन्टी नाइन इज दी टेम्परेचर जिसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस है एंड अगेन नाइनटीन इज दी टेम्परेचर जिसके पास ये वाला रेजिस्टेंस है दोनों से सेम आंसर आएगा अब फटाफट हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अब यही वाले क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन सा वो टेम्परेचर है जब सेल्सियस वाली अ, मतलब सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में और कैल्विन थर्मोमीटर में तुम्हें सेम रीडिंग मिलेगी नॉट पॉसिबल एट ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल तुम्हें बोला हुआ है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे जो रीडिंग तुम्हें सेल्सियस में मिल रही है वही रीडिंग तुम्हें कैलविन में भी लग, uh, मिल रही है नॉट पॉसिबल एट ऑल क्यों इसीलिए क्योंकि जो रीडिंग कैल्विन में है इट इज इक्वल टू जो रीडिंग डिग्री सेल्सियस में है प्लस टू सेवेंटी थ्री तो ये तो रहेगा ही रहेगा अगर इसकी वैल्यू जीरो है ये टू सेवेंटी थ्री अगर इसकी वैल्यू हंड्रेड है तो ये थ्री सेवेंटी थ्री है अगर इसकी वैल्यू टू हंड्रेड है तो ये फोर सेवेंटी थ्री है सो दैट इज नॉट पॉसिबल एक बार जरा सा देखिए ऑल दो अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सा वो टेम्परेचर है कि जिसपे मैं ये बोल पाऊं कि x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x डिग्री फारेनहाइट तो वो है दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस फोर्टी डिग्री फारेनहाइट ठीक है वी डिड लाइक ऑलमोस्ट फिफ्टीन टाइम्स करे हुए हुए फ्लेक्स यूट्यूब किड्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास ये है वॉट इज चेंज इन देशर ऑन दी फैरन हाइट स्केल एंड कैल्विन स्केल अगर मान लो तुम लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज लेके आ रहे हो सिक्सटी का ठीक है तो मतलब तुम्हें बोला हुआ है कि जो तुम चेंज लेके आ रहे हो डिग्री सेल्सियस में वो सिक्सटी का है तो ऑब्वियसली बात है तुम लोग जो कैल्विन में लेके आओगे वो भी सिक्सटी का होगा और जो चेंज तुम लोग फेरन में लेके आ पाओगे इट इज गोइंग टू बी वन टाइम्स ऑफ सिक्सटी जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया कैसे तो यहाँ पर लेट मी टेक द फ्रीजिंग पॉइंट लेट मी टेक द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी एंड लेट मी टेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी देखो यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है ये टू सेवेंटी थ्री कैलविन होता है ये मेरे पास थ्री सेवेंटी होता है है ना ये 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 मेरे पास 32 degree Fahrenheit होता है, ये मेरे पास पास होता होता है, है। है, तो 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 देखो, जब तुम लेके आ आ रहे हो degree Celsius में 100 का, change में भी तो 100 का का तो भी भी दोनों कभी मतलब सेम नहीं हो सकती और फारेनहाइट में जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है फारेनहाइट में जो चेंज आ रहा है वो है एक सौ का तो तुम बताओ अब यूनिटरी मेथड से चल सकते हो कि भाई अगर मैं सौ का चेंज लेके आती हूँ डिग्री सेल्सियस में उसकी वजह से सौ का चेंज आता है कैल्विन में तो ही बात है अगर मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में चेंज लेके आ रही हूँ सिक्सटी का तो कैलविन में भी जो चेंज आएगा वो सिक्सटी का आएगा और उसी तरीके से अगेन यूनिटरी मेथड कि अगर मानो अगर मानो मैं डिग्री सेल्सियस में चेंज लेके आती हूँ सौ का तो मैं देख पा रही हूँ कि डिग्री फारेनहाइट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है एक सौ अस्सी का

कि तुम्हें जो स्टीम पॉइंट है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वो तुम्हें वो अस्सी पे दे रहा है और जो एक्चुअल जीरो डिग्री सेल्सियस है वो तुम्हें ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर दे रहा है तो तुमसे ये पूछा हुआ है व्हाट विल बी दी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मर्क मर्करी स्केल व्हेन दिस टेम्परेचर रीड्स थर्टी टू डिग्री सेल्सियस अगर कंफ्यूज हो गए तो आराम से अच्छे से लिखो ढंग से लिखो ढंग से लिखोगे और या फिर अगर डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा अब यहाँ पर तो डायग्राम वाला कंसेप्ट अभी तक आया नहीं है तो अच्छे से जो भी डाटा तुम्हें मिली है उसको प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करो मतलब आई कैन से कि एक तो है मेरे पास सेंटीग्रेड स्केल यहां पर एक मेरे पास आ गई सेंटीग्रेड स्केल और एक मेरे पास आ गया ये थर्मोमीटर जो रीडिंग दे रहा है है ना एक मेरे पास आ गया थर्मोमीटर कितना रीडिंग दे रहा है तो देखो ना जब तुम्हें सेंटीग्रेड पे जीरो डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए ये रीडिंग दे रहा है ट्वेंटी डिग्री की ट्वेंटी की दे रहा है उसी तरीके से जब यहाँ पर तुम्हें हंड्रेड मिलना चाहिए तुम्हें यहाँ पर अस्सी मिल रहा है तो तुमसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन देंटीग्रेड स्केल थर्मोमीटर रीड्स थर्टी टू मतलब जब ये वाली वैल्यू थर्टी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये तुमसे पूछा हुआ है एक बार तुम लोगों ने डी कोड कर दिया तो अब चौथी बार सेम क्लास में चौथी बार मैं सेम फॉर्मेट लगा रही हूँ टी टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड by हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट तो मैंने इसको ही बात है यहां पर इसको अपने लोअर पॉइंट मान लिया इसको मैंने अपना हायर पॉइंट मान लिया डेट इज इट अब मैं यहाँ पर लिखूँ तो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस जीरो और अभी दूसरी साइड पे अगर मैं लिखूँ लिखूं टू बीवल टू थर्टी टू माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एटी माइनस ट्वेंटी आई डोंट नीड टू सॉल्व इट एनी फर्दर करते रहो देखो ट्वेंटी हाँ जी ट्वेंटी आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे तो पास ट्वेंटी 20 डिग्री सेल्सियस पे ये रीडिंग 32 की देगा ठीक देख लो नेक्स्ट अच्छा हो गया हो गया आज के क्वेश्चन ये आज की क्लास में कितने क्वेश्चन थे ठहरो मैं अभी बताती हुए पांच चार नौ तेरह फोर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन

अटेंडेंस एक कमेंट कंसिस्टेंट रहो क्योंकि अब सब पढ़ रहे हैं अब तो छः महीने रह गए छ महीने पहले से बुद्धि आने लगी जाती है जनरली स्टूडेंट्स को सब पढ़ रहे हैं तुम ज्यादा करो कंसिस्टेंटली पढ़ो रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑल आई कैन से दैट इज ऑल विदाउट एनोटेशन का पी डी एफ टेलीग्राम पे पहुंच चुका है विद एनोटेशन का पी डी एफ मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ गूगल ड्राइव लिंक के फॉर्म में बाकी एक बहुत तगड़ा ऑफर आ जाने वाला अन अकाडमी का आई इनफॉर्म यू अबाउट दट ऑन टेलीग्राम ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरी वन गुड बाय एवरी वन